हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिविजन बी आम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स तो हमने लास्ट टाइम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था तो so, आज हम डिस्कस uh, करेंगे कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिवस है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है सो so, बाइफर्केशन सीखेंगे उससे रिलेटेड पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो दिस इज लेक्चर नंबर सिक्स सो आई ऑलरेडी कवर लेक्चर लेक्चर फाइव टोटल फाइव लेक्चर्स आई हैव कवर्ड दिस कॉमर्स पेपर वन एंड टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव सो ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव जो है दैट शुड बी स्मार्ट इन नेचर तो आइए आगे, आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज डिवाइडेड इंटू नंबर वन इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव इफ यू सी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पॉइंट सच एज सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रेस्टीज इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करना है हमें तो वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड अब हमारा जो टाइप है ऑब्जेक्टिव का दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव so economics is related with money which includes profit innovation and wealth of the organization the third point is social objectives social objectives are related with the employees shareholders customers the various kinds of responsibilities of the organization towards everyone that will be covering all the social objectives the next point is covering the human objectives. Human objectives will be related with the working conditions of the organizations, the wages, the remuneration which the company is paying, and finally, the last type of objectives is called as national objectives, which includes self-sufficiency, employment, and social welfare. So, isko ek ek karke abhi discuss karenge, taaki aur bhi aapke points is related clear ho पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक साथ सारे के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द पॉइंट तो आइए डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव देखो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वाइव करना ग्रोथ रखना ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ मेंटेन रहना और एक प्रेस्टिजिया इमेज क्रिएट करना मार्केट में तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव को थ्री फोल्ड भी बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे कॉस्ट जो है उसको रेड्यूस करना है हमें कस्टमर uh, के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है और कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा हमें हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ है कस्टमर्स के जो प्रेफरेंसेस है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है इसके बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा फिर हमारे जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में तीन चीज़ें आपको याद रखनी है नंबर वन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट या फर्म इन द मार्केट नंबर सेकेंड एक बार सर्वाइव हो चुका तो नंबर सेकेंड पॉइंट में आता है ग्रोथ तो ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नंबर थर्ड हमारा पॉइंट है प्रेस्टीज या मार्केट स्टैंडिंग या इमेज तो प्रेस्टीज भी वही पॉइंट कवर करता है जो आपको ध्यान रखना है तो प्रेस्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा प्रेस्टीज का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो जो हमारा रिकोगनीशन है मार्केट में जैसे अगर हम बात करें कॉरपोरेट इमेज की जैसे टी नाम की कंपनी है इन्फोसिस है विप्रो है ताज होटल्स है देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके आप ले सकते हैं मतलब जो क्वालिटी के ऊपर फोकस हमेशा करते हैं तो दैट इज नंबर फर्स्ट दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स नंबर सेकंड इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी का मेन अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो दैट विल बी रिलेटेड विद प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड अदर ऑब्जेक्टिव दैट लीड टू प्रॉफिट तो अदर टाइप के ऑब्जेक्टिव भी इसमें कवर होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है प्रॉफिट अर्न करना ठीक है प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा लेकिन रिस्क प्रॉपरली लेना पड़ेगा वरना अगर ऐसे ही रिस्क लेते गए तो कभी कभी लॉस भी हो सकता है सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर वन इज प्रॉफिट्स नंबर सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो रिसोर्सेस का आपको लिमिटेड जो यूज करना है ऑप्टिमम यूज करना है और उससे अच्छे खासे बेनिफिट्स आपको डाइव करने हैं वेस्टेजेस so, भी आपको कम करने हैं और रीसाइक्लिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है ये सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ेगी नंबर थर्ड हमारा पॉइंट है उसमें इनोवेशन इनोवेशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली कुछ क्रिएटिव या न्यू न्यू काइंड ऑफ चेंजेस लेके आना न्यू प्रोडक्ट्स लेके आना कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से प्रोडक्ट लाना क्रिएशन ऑफ वेल्थ अगला पॉइंट तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है असेट्स बढ़ाओ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड करो यूटिलिटी दो सेटिस्फैक्शन दो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स तो कस्टमर्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर हम कस्टमर्स को बढ़ाने में ध्यान देंगे मतलब कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर्स को अगर प्रॉपर यूटिलिटी देंगे हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ते जाएगा लोग हमारे पास आएंगे हमसे परचेस करेंगे और ऐसे करते हमारा बिजनेस जो है दैट विल बी एक्सपांडेड दैट विल बी इंक्रीज एंड सिमिलरली इफ़ अवर बिजनेस इज इंक्रीज अवर नेम ऑफ़ द कंपनी अवर इमेज अवर गुडविल अवर मार्केट स्टैंडिंग अवर कॉरपोरेट इमेज बेसिकली विल बी ऑल्सो increase so that is the second number of objective which is called as economic objective so first objective we have covered economic object uh, the organic objective which is also called as threefold objectives number second is economic objectives which is related with the profit which is related with the uh, creation of wealth which is related with creation of the customers which is also related with increasing the market price of the shares and which will be relating with uh, the corporate standing a yeah, market image yeah वी कैन ऑल्सो कॉल दैट इज गुड विल ऑफ दर्गेनाइजेशन विल बी इंक्रीज द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है इस तरीके से बिजनेस करो जिससे आपके सारे जो पर्सनस होंगे जो आपसे रिलेट करने वाले हैं वो सभी लोगों को आप, आपकी कंपनी से बेनिफिट मिलेगा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द बिजनेस रेफर टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स एम्प्लॉयज कस्टमर्स डीलर्स सप्लायर्स गवर्नमेंट जैसे हम सी एस आर की बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूअर्ड कस्टमर्स है सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूअर्ड्स डीलर्स है सब सोशल ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स एम्प्लॉज है सोशल ऑब्जेक्टिव टूवर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट है शेयर होल्डर्स है सप्लायर्स है कॉम्पिटिटर्स है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है विच इंक्लूड्स द सी एस आर विच इज कॉल्ड एज कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबसे पहले तो आप क्या करोगे सब, सबसे पहले हम हमारे थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिवस पे ध्यान देंगे जैसे ही हमारे थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके फिर हम हमारे सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स तो दैट इज ऑल पॉइंट्स रिलेटेड विद दी सोसाइटी अगले ऑब्जेक्टिव में जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दी एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जितना उनका स्टाफ रहेगा वो अगर अच्छी तरीके से काम करेगा वो अगर एफिशिएंट वर्क करेगा तो ही बिजनेस फ्लरिश करेगा तो दैट इज वाई ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द बिजनेस रिलेट विथ दी एम्प्लॉयज़ रिलेट विद दी एम्प्लॉयज़ हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द एफिशेंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस तो इसी लिए कंपनी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने स्टाफ को हैप्पी रखे अपने स्टाफ को सैटिस्फाई रखें अपने एम्प्लॉयज को मैगजिमम सेटिस्फैक्शन दे उसके लिए क्या होगा नंबर वन इज़ फेयर वेजेस अच्छे वेजेस होने चाहिए अच्छा रेम्यूनरेशन होना चाहिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो वर्कर्स होंगे या जो स्टाफ होगा वो मोटिवेट होगा नंबर सेकंड इज वर्किंग कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस उनको मिलने चाहिए गुड लाइटिंग होना चाहिए वेंटिलेशन होना चाहिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होना चाहिए ओवरऑल अगर बात करें तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे फिर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी करना है हमें मैनेजमेंट में मतलब सारे डिसीजन स्टॉप लेवल ही लेगा वर्कर्स से कुछ कंसल्ट नहीं करेगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक तो हमें क्या करना है हमारे स्टाफ से भी कंसल्टेशन लेना है स्टाफ का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है बिकॉज स्टाफ इज एक्चुअली द पर्सन हु आर गोइंग टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट इज वाई वी आर गोइंग टू कंसल्ट अवर एम्प्लॉइज ऑल्सो फॉर टेकिंग द डिसीशन जो नॉर्मल डिसीशन है जैसे आपने पढ़ा होगा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो वैसे कभी कभी डिसेंट्रलाइजेशन भी करना जरूरी है नंबर फोर्थ है हमारे वेलफेयर फैसिलिटीज़ देखो वेलफेयर फैसिलिटीज़ का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ uh, को कंपनी की तरफ से फैसिलिटी मिलती है जैसे कैंटीन फैसिलिटी है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है रेस्ट रूम्स दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से देते हैं जैसे बहुत सारी बड़े बड़े कंपनीज में बस फैसिलिटी होती है ओके दैट इज द पॉइंट नंबर फोर नंबर फिफ्थ इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है एचआरडी यहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या करेंगे ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज जितनी आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दोगे उतने आपके एम्प्लॉयज एक्सपर्ट हो जाएंगे और जितने एम्प्लॉयज एक्सपर्ट हो जाएंगे उतना कंपनी को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज विल बी इंक्रीज नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है हम नए नए टारगेट्स देंगे हम नए नए हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करके उनको टारगेट्स देंगे बिकॉज अगर टारगेट्स देंगे तो वो लोग अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे और वो अचीव करेंगे तो उससे उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है जो अगर जॉब हमेशा सेम रहा रूटीन रहा मोनोटोनस रहा तो दैट विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम तो एक ऐसा जॉब रहे वो चैलेंजिंग होना चाहिए जिससे हर एम्प्लॉय कुछ नया नए तरीके से टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई करेगा और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो है टुवर्ड्स कस्टमर्स एंड सोसाइटी बिकॉज देखो ओवरऑल अगर बात करें तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कस्टमर्स के लिए और सोसाइटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगले टाइप का ऑब्जेक्टिव्स है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद ही हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच तक, सोच सकते हैं नंबर वन क्या है सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस का मतलब होता है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देंगे और उसके वजह से हम जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स है बैकवर्ड सेक्शंस है उनको भी हम अच्छी तरीके से उनको बेनिफिट देंगे या उनका भी हम अपलिफमेंट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सोशल जस्टिस नंबर सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको एसएसआई बोला जाता है उसके लिए स्पेसिफिक एक एक्ट ही पास करके रखा है तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम स्टेप्स लेंगे एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग मैक्सिमम स्टेप्स फॉर दी एस दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ प्रिपेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफ़ी सारी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है तो ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटीज़ तो जैसे नेशनल प्रायोरिटीज़ होंगे उसी तरीके से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए जैसे अगर हम कर, इंडिया की बात करें तो इंडिया एफर्ट्स करता है जो बेसिक फूड है क्लोथिंग है शेल्टर है उसके ऊपर और वो रीज़नेबल रेट्स पे लोगों को मिलने चाहिए बिकॉज सभी लोगों का इनकम अगर देखा जाए तो सेम नहीं है किसी का इनकम काफ़ी ज़्यादा है किसी का इनकम बहुत लो है तो टारगेट ये रहेगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर की ये सबको मिल पाए दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन एज पर दी प्रा नेशनल प्रायोरिटीज नेक्स्ट इज सेल्फ़ सफिशेंसी तो जो भी हमारे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारा मैन पावर है उससे हम प्रॉपरली यूज़ करके अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करें और वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो और उसके वजह से क्या होगा हम सेल्फ़ सफिशेंट हो जाएंगे एंड दैट विल बी बेनिफिशल फॉर द कंट्री बिकॉज उससे हम एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम इम्पोर्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ तो जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे जाके अगर हम फाइनेंशियल हेल्प देंगे वहाँ पे जाके अगर हम इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे तो ये जो बैकवर्ड रीजन्स है वो भी डेवलप्ड हो जाएंगे and the last point is we will be creating the employment opportunities तो हम employment opportunities create करेंगे अगर हम कहीं job करते हैं तो हम सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं अगर हम business डालेंगे तो हम कितने लोगों को job opportunities create कर सकते हैं तो ये employment opportunities बढ़ाने का काम भी हमारे लिए काफी important role play करता है national objectives का तो that's it ये थे हमारे different different type के objectives तो थोड़ा सा revise कर लेते हैं uh, directly first slide में जाते हैं जो first slide में ने आपको बताय फर्स्ट स्लाइड देखो ये फर्स्ट स्लाइड है तो वी हैव डिस्कस अबाउट दी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स को कौन से ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स को थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स कंसंट्रेट्स ऑन थ्री पॉइंट्स नंबर वन इज सर्वाइवल नंबर सेकेंड इज ग्रोथ एंड नंबर थर्ड इज प्रेस्टीज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है मैंने मेजर मेजर पॉइंट यहाँ पे लिखे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रॉफिट इनोवेशन और वेल्थ के ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है सोशल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एम्प्लॉज शेयर होल्डर्स एंड द कस्टमर्स ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किस पे कॉन्सनट्रेट करता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेंट्रेट्स ऑन दी वर्किंग कंडीशन द वेजेस नेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे नेशन का ध्यान रखता है उस वो सेल्फ सफिशेंसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देता है तो यही थे हमारे आज का डिस्कशन तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज जैसे मैं नए वीडियोज डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो अगले बार मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर